अच्छा जी, लास्ट हमने एक्सप्रेस की जो ऐप तैयार की थी उसमें नैनो आईडी तो हम पहले ही लगा चुके थे। मोंगो डीबी का हमने ऑब्जेक्ट आईडी एक्सप्लोर किया था लास्ट क्लास में। मॉर्गन लॉगर को हमने एक्सप्लोर किया था कि मॉर्गन लॉगर क्यों और कैसे लगता है। कॉर्स की लाइब्रेरी को ज़रा हमने एक्सप्लोर कर लिया था। उसके अलावा डॉट ई एन वी को एक्सप्लोर किया था लास्ट क्लास में हमने। ठीक है जी। और ये जी हमने कोर्स पे लगा दिए थे लाइन से वो सारे यूआरएल जो हम चाहते हैं कि हम अलाउ करें जिसको। ठीक है, स्टिल दिस इज़ नॉट अ सिक्योरिटी फीचर, ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अच्छा जी, ये स्लैश पे हमने हेलो वर्ल्ड भेजा हुआ है। उसके बाद हमारे पास चार पांच एपीआईज हैं इसमें। पहली एपीआई जो है वो स्लैश प्रोडक्ट की है, जो कि गेट का मेथड है। इसके ऊपर हमने क्या किया जी, मोंगो डीबी से तमाम जो है ना प्रोडक्ट्स उठा के हमने फ्रंट एंड पे भेज दिया है। उसके बाद जी, ये सिंगल प्रोडक्ट गेट करने के लिए हमने लिखा है कोड, एपीआई लिखी है यहाँ पे, जो कि गेट का मेथड है स्लैश प्रोडक्ट स्लैश आईडी। इसमें हमने ऑब्जेक्ट आईडी की वैलिडेशन की है पहले कि जी ऑब्जेक्ट आईडी सही भेजी है। उसके बाद फाइंड वन का इस्तेमाल किया, ये फाइंड वन भी हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लोर कर लिया था। ठीक है जी, फाइंड वन और फाइंड में क्या डिफरेंस है कि फाइंड क्या करता है, क्राइटेरिया अगर कोई दिया जाता है और मैं कहता हूँ फाइंड, तो वो उस क्राइटेरिया पर डॉक्यूमेंट पहले डॉक्यूमेंट से शुरू करता है डेटाबेस में और आखिरी डॉक्यूमेंट तक जाके सर्च करता है। ठीक है, ऑन अदर एंड अगर मैं फाइंड वन का इस्तेमाल करता हूँ तो फाइंड वन क्या करता है, जो उसको क्राइटेरिया दिया जाता है सर्च का, वो जैसे ही उसको पहला डॉक्यूमेंट मिलता है उस क्राइटेरिया पे, वो वहीं से वापस आ जाता है। ठीक है, तो कुछ केसेस में जैसे कि आईडी से जब हम सर्च करते हैं तो हमें पता होता है कि जी ये आईडी यूनिक है तो इससे एक ही डॉक्यूमेंट होगा, या मोस्ट ऑफ द टाइम हमें आईडी से एक ही डॉक्यूमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसका हमें जस्ट पहला अकरेंस चाहिए, तो हम फिर फाइंड वन उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी कुछ रिसोर्स बच जाती है। उसके बाद जी पोस्ट प्रोडक्ट, तो जी पोस्ट के लिए मैंने क्या किया, कुछ वैलिडेशन अप्लाई की है कि जी बंदा जो भेज रहा है डेटा वो रिक्वायर्ड सारा कुछ है या नहीं है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को हम मोंगो डीबी में फिट करते हैं और फिट करने के बाद एक रिस्पॉन्स भेज देते हैं 201 का कि जी प्रोडक्ट इज़ क्रिएटेड। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एडिट की एपीआई को कंप्लीट कर लिया। एडिट की एपीआई में हमने अगेन ऑब्जेक्ट आईडी को वैलिडेट किया है कि ये सही है या नहीं है। उसके बाद वैलिडेशन लगाई है कि जी तीन पैरामीटर्स हैं, नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन, इसमें से कोई एक एटलीस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए वैलिडेशन यहाँ लगा ली हमने। और इस वैलिडेशन के बाद हमने एक और इफ़ लगाया है जिसके ज़रिए हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया कि जी जो, क्योंकि जो पैरामीटर्स मुझे अपडेट करने हैं, जो कीज़ अपडेट करनी है, वही इस ऑब्जेक्ट में मौजूद हो, उसके अलावा कोई और उसमें मौजूद ना हो। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये अपडेट वन परफॉर्म किया है। अपडेट वन और अपडेट में भी यही डिफरेंस है जो फाइंड वन और फाइंड में डिफरेंस है। ठीक है, अपडेट वन क्या करता है, जो क्राइटेरिया मैं इसको देता हूँ कि इस क्राइटेरिया पे जाके अपडेट चलाओ, तो इस क्राइटेरिया पे इसको जो पहला डॉक्यूमेंट मिलता है ना, ये उसको जाके अपडेट करता है और उस पर ये चीज़ सेट करवा देता है। ठीक है, अगर मैं फाइंड अपडेट वन नहीं लगाऊंगा, अपडेट लगाऊंगा, तो वो इस क्राइटेरिया को लेके डॉक्यूमेंट, पहले डॉक्यूमेंट से लेके जिस भी कलेक्शन पे मैं चला रहा हूँ, जैसे मेरे केस में मैं प्रोडक्ट्स कलेक्शन पे चला रहा हूँ, तो इस कलेक्शन के पहले डॉक्यूमेंट से लेके आखिरी डॉक्यूमेंट तक वो इस क्राइटेरिया को अप्लाई करके देखेगा कि जी ये अब इस पर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। जो जो फिट होगा सबको जाके अपडेट मार देगा ये। ठीक है, तो मेरे केस में क्योंकि मैं आईडी के थ्रू अपडेट करा रहा हूँ तो मुझे पता है एक ही होगा इसमें, इसलिए मैंने अपडेट वन यहाँ पर चलाया है। ठीक यार, मोंगोस की जो लाइब्रेरी हम यूज़ करते थे ना इससे पहले, उसमें हम ये सेट नहीं लगाते थे, लेकिन मैंने देखा है मोंगो डीबी की जो लाइब्रेरी है उसमें ये सेट लगाना पड़ेगा हमें। ये एक ऑपरेटर है, मतलब ये लगाना ही है। अगर वैसे तो सेट के अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाई डिफ़ॉल्ट ये सेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रखा है। स्टिल कोई रीज़न होगा इसका क्यों रखा है, क्योंकि मोंगोस में तो शायद मोंगोस खुद लगा देता है। अच्छा, मोंगोस के भी बिहाइंड द सीन जो है ना, वो इसकी एपीआई मोंगो डीबी अपनी एपीआई ही चल रही है। मोंगोस जो जस्ट एक रैपर है। ठीक है, तो जी हमने ये पुट वाले को यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद डिलीट भी बहुत सिंपल है, हमने ऑब्जेक्ट आईडी को वैलिडेट किया और ट्राई कैच में हमने ये डिलीट की क्वेरी चला दी। डिलीट वन स्टिल हमने चलाया क्योंकि हम आईडी के थ्रू डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट वन चलाया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये प्रोडक्ट सर्वर की लिसनिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, उसके बाद हमने अगला काम क्या करना था, हमने एक अदद बनाना था फ्रंट एंड, और उस फ्रंट एंड के साथ हमने इसको कनेक्ट करवा देना था। अच्छा, फ्रंट एंड में हमने क्या कुछ कर लिया था, एक H1 की हेडिंग लगा ली थी हमने, एक डिव लगा लिया था जिस पे आईडी दे दी थी हमने प्रोडक्ट्स, और
हम क्या करते थे, एग्जियोस की हमने लाइब्रेरी अटैच कर ली थी, इसकी जगह हम फैच भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन एग्जियोस ज़रा सा हैंडी है, ज़रा इजी टू यूज़ है, और नए लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिगनर्स भी हैं क्लास में, तो नए लोगों के लिए ज़रा हैंडी रहता है ये, इसलिए मैंने फैच का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। ये स्टिल आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर HTTP कॉल करने के लिए एग्जियोस, फैच या कोई तीसरी लाइब्रेरी पसंद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए लाइब्रेरीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, और हर लाइब्रेरी की अपनी कुछ ना कुछ खासियत है। कुछ लाइब्रेरीज़ हैं बहुत ही लाइट वेट हैं, बहुत छोटी हैं साइज़ में, ठीक है, कुछ जैसे एग्जियोस है ये ज़रा हैंडी है और ईजी टू यूज़ है, और ज़रा सा कन्वेंशनल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कन्वेंशनल थोड़ा सा यूज़ करता है ये। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक बना लिया गेट प्रोडक्ट्स, एक फंक्शन। गेट प्रोडक्ट्स का फंक्शन क्या काम कर रहा है जी, कि ये एक API हिट करता है, ये कौन सी API हिट करता है जो इस वक्त मेरे पास मेरे लोकल मशीन पे चल रही है, ये वो API हिट करता है, ठीक है। इस वक्त मैं इसके अंदर एब्सोल्यूट URL इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं इसमें एब्सोल्यूट URL इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको कहाँ होस्ट करने जा रहा हूँ, मेरे खुद के सर्वर पर। अभी तो राइट नाउ हम क्या करते हैं, जो फ्रंट एंड होता था मेरा वो GitHub में होस्ट करते थे हम, और हम वहाँ से API को कॉल करते थे, सर्वर की API को। लेकिन आइडियली होना ये चाहिए कि मेरा जो फ्रंट एंड है, और नहीं आ रहा वहाँ पे डिस्प्ले, अभी ले आता हूँ, आ गया। आइडियली होना ये चाहिए कि मेरा जो फ्रंट एंड है ना, वो मेरे ही सर्वर पे होस्ट हुआ हो, ठीक है, मतलब चाहे वो प्लेन HTML पे बना हुआ हो, चाहे वो रिएक्ट पे बना हुआ हो, किसी पे भी हो, आइडियली ये होना चाहिए कि वो मेरे ही सर्वर पे होस्ट हो, ताकि दो दो टीयर्स अलग अलग ना बन रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये गेट प्रोडक्ट्स क्या करता है जी, ये API को कॉल करता है, और जो भी उसमें से रिस्पॉन्स का डेटा आता है उसके ऊपर मैप चला के जो है ना, उसको इनर HTML अपडेट कर देता है। अच्छा, इनर HTML भी UI को अपडेट करने का आइडियल तरीका नहीं है, UI को अपडेट करने का आइडियल तरीका है जो DOM के मेथड्स हैं JavaScript के, ठीक है, लेकिन वो ज़रा सा अभी हम JavaScript की क्लास नहीं है हमारी, ये तो ज़रा उसको मैंने सिंपल रखा है, और अल्टीमेटली हमने प्लेन HTML यूज़ भी नहीं करना, ठीक है, हमने यूज़ करना है होपफुली React। तो उसमें ये होता है कि वो उन्होंने DOM के मेथड बनाए हुए, ना सिर्फ बनाए हुए बल्कि अपने बनाए हुए, और उनका DOM भी पूरा उन्होंने अपना बनाया हुआ है, ठीक है, वर्चुअल DOM उसको वो कहते हैं, बकौल उनके बड़ा फास्ट है, और पता नहीं उसके बड़े फजाइल बयान करते हैं वो, ठीक है, मेरे हिसाब से तो इतना कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले जो है ना वो बहुत फ़र्क है, शायद हमने इतनी बड़ी ऐप बनाई नहीं है जिस पे वो फ़र्क फील हो, ठीक है, तो मे बी इस तरह का कोई चक्कर हो। और हमने फिर लास्ट में क्या किया, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर करके ना, विंडो के ऑन लोड पे इस API को कॉल कर दिया, ठीक है। अच्छा, विंडो के लोड पे किया मैंने, मैं किसी और के भी लोड पे कर सकता हूँ, कि जी मैं बोलूँ इस डिव के ऑन लोड पे चला दो, या इस तरह की कोई बात भी कर सकता हूँ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन मी। अच्छा, तो इसको ज़रा अब हम पहले तो सर्वर को रन कर लेते हैं, ज़ीरो फोर नॉट जेस, उसके बाद CD टू, और उसके बाद क्या है जी हमारे पास, npm run dev। अच्छा, कभी अगर आपको पता नहीं हो ना कि इस फोल्डर में क्या है, या मैंने CD के आगे क्या लिखना है, तो आप टैब का बटन दबाते हैं, ये जो मैंने किया ना, ये टैब के बटन से हुआ है, जैसे मैंने कहा ना कि जी मैंने CD करके अब आगे किस फोल्डर में जाना है, तो CD करके मैं जस्ट टैब दबाऊंगा ना, तो नीचे सारी वो सजेशंस आ जाती हैं कि यार ये आप कर सकते हो, क्योंकि जब सर्वर के एनवायरनमेंट में आप होते हैं तो वहाँ पे UI तो होती नहीं है कि आप यहाँ से आके ऐसे देख लो, मतलब है ना, आप जैसे हम तो यहाँ करते हैं ना, यहाँ देख लेते हैं अच्छा यार कौन सा फोल्डर है, तो सर्वर के एनवायरनमेंट में तो ये ऑप्शन नहीं होता, तो हमें ये LS करके ही देखना पड़ता है, या तो CD करके हम टैब दबाते हैं तो वो सजेस्ट कर रहा होता है। अच्छा जी, तो ये हमने सर्वर को रन कर दिया, सर्वर को रन करके हमने पोस्टमैन से इसको चला के वैलिडेट कर लिया था, पूरा बिल्कुल सही चल रहा था ये पोस्टमैन से, ठीक है। अब हमने इसको UI के ऊपर उन्हीं APIs को कॉल करना है जो हम ऑलरेडी पोस्टमैन से कॉल कर चुके थे। अच्छा, अब इसको ज़रा हम वो कर लेते हैं। अच्छा, कॉपी पाथ करके ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये मॉड्यूल हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसको हमें चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यार अभी तो चल गया ये, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, हमने कोर्स लगा दिया ना बैकएंड पे, अपना कोर्स भी हमने लगा दिया, लेकिन कोर्स में हमने ये तो नहीं कहा कि जो है ना नल वाले से भी कर दो, नल वाले से तो अलाउ नहीं किया हमने, वेल अभी ये एरर नहीं दे रहा, अगर हम कोर्स को यहाँ पे रोक दें तो अब एरर दे रहा है,
कनेक्शन रिफ्यूज कह रहा है जस्ट ये है। अब सही चल रहा है, जब कोर्स लगा देता हूँ तो सही चलता है, और जब मैं कोर्स को यहाँ पे रोक देता हूँ तो फिर ये दोबारा मसला करने लग जाता है। यार अभी भी सही चल रहा है। चलना तो नहीं चाहिए इसको, इसको एरर देना चाहिए वो वाला कि भाई आपका ना ओरिजिन नल है तो इसलिए मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता। मे भी अभी मेरे पास जो है ना वो जो मैं API हिट कर रहा हूँ वो भी नॉट सिक्योर API है ना, अनसिक्योर API है। मिसाल के तौर पे जो मैं API हिट करता हूँ ना इस वक्त प्रोडक्ट्स की, तो उसका जो URL है इसमें S नहीं लगा हुआ, HTTPS। तो ये आमतौर पर सिक्योर APIs के साथ ज़्यादा पंगे करता है। तो वेल तो कॉपी पास करके चल रहा है तो अच्छी बात है। अच्छा तो मैंने फ़िलहाल के लिए क्या कर लिया था, मैंने ये कहा था कि यार प्रोडक्ट्स को लाओ और यहाँ पे लिस्ट कर दो। अच्छा प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवाते हुए यार इस प्रोडक्ट पे ना ज़रा एक बॉर्डर लगा देते हैं ताकि हमें पता चले कि वो कौन सी प्रोडक्ट ना कहाँ पे है और कहाँ तक वो ख़त्म हो रही है। हमारे पास ID है प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आके मैं एक चुन्ना मुन्ना सा स्टाइल का टैग बना लेता हूँ, नॉट सो फैंसी, और मैं कहता हूँ कि यार ID जो है ना आपकी प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर जो आपके पास जो डिव है ना उस पर आप क्या कर दो, लगा दो बॉर्डर, ठीक है, 1 pixel सॉलिड ब्लैक, और साथ में आप क्या कर दो बॉर्डर रेडियस उसको दे दो 15 pixel या 1.5 rem। सही है, हमने इसको क्या दे दिया, थोड़ा सा बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर देने के बाद अगर अपने दीवारों से ये बहुत ज़्यादा चपक गया तो इसको थोड़ा सी पैडिंग भी दे देते हैं फिर। हाँ पैडिंग देंगे तो वो फिर सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों डब्बे आपस में चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा मार्जिन भी फिर देना पड़ेगा इसको, सभी मांग रहा है ये, बोल रहा है सब दो मुझे मार्जिन 1 rem देते हैं। हाँ भाई ये जो मैं REM लगा रहा हूँ किसी को पता है इसका क्या डिफरेंस है, क्योंकि JavaScript आती है तो HTML CSS भी आती होगी तुम लोगों को। अच्छा एक होता है EM और एक होता है REM। हाँ REM जो क्या करता है, जो REM होता है या EM होता है, जैसे 1 EM लिखा है मैंने तो इसका मतलब होता है 16 pixel, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि बॉडी का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है, ठीक है। अगर तो मैं 12 पिक्सल के स्केल पे चल रहा हूँ तो 1 REM या 1 EM का मतलब होगा 12 pixel, डिपेंड करता है, बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है। हम आजकल उसको चेंज नहीं करते, पहले चेंज करते थे 12 पिक्सल पे जाते थे, लेकिन अब जो नई वाली बनती है 16 पे ही चलाते हैं उसको वो। तो 1 REM का मतलब है हमेशा 16 पिक्सल, लेकिन EM और REM में डिफरेंस ये है कि REM हमेशा बॉडी के साइज़ को देखता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ EM लिखता हूँ तो ये अपने पेरेंट के साइज़ को देखेगा। मिसाल के तौर पर मैंने किसी पैराग्राफ के अंदर कोई छोटी सी कोई छोटा सा वर्ड है उसको मैंने रैप किया और मैंने बोला इसको कर दो 2 REM, तो वो देखेगा कि इस पैराग्राफ का साइज़ क्या है इस वक्त। अगर उस पैराग्राफ का साइज़ 10 होगा ना पिक्सल में, तो वो उसको 2 REM को 20 पिक्सल समझेगा, 32 नहीं समझेगा, ठीक है। और REM हम इसलिए लगाते हैं कि भाई रिगार्डलेस हम करना चाहते हैं कि जी बॉडी से हो ना, तो हमेशा हम REM का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ऐसा कब होगा कि बॉडी का साइज़ चेंज होगा, भाई बॉडी के साइज़ से तो रिलेटिव कर दिया मैंने, तो इसका मतलब बॉडी साइज़ चेंज होगा कभी ना कभी। स्क्रीन छोटी होने पर बॉडी का साइज़ चेंज नहीं होता, यानी फॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज नहीं होता। डब्बों का साइज़ तो चेंज होता है, ये डब्बों का साइज़ देखो चेंज हो रहा है, लेकिन जितना भी छोटा कर दूँ मैं फॉन्ट का साइज़ अपनी जगह से हिलेगा नहीं। देखो प्राइस का जो P है ना उस पर नज़र डालो, ये फिक्स है अपनी जगह, ये नहीं हिलता। इसको चेक करोगे तो भी ये इतने पे ही आएगा जितने पे ये है, और ये इस वक्त क्या है 16 पिक्सल है, ठीक है। देखो हाइट उसकी 16 पिक्सल आ रही है, नहीं हाइट नहीं, वो मार्जिन फॉन्ट भी आ रहा है और दोनों आ रहा है, दोनों का साइज़ बता रहा है, छोटा छोटा बता रहा है। वो
फॉन्ट भी 16 टाइम्स है, और 16 टाइम्स मतलब टाइम्स रोमन जो है, और मार्जिन भी जो है ना 16 पिक्सल है। हाँ भाई, कब चेंज होगा ये बॉडी का टेक्स्ट? अब बॉडी का टेक्स्ट का भी साइज़ चेंज ही नहीं होगा, तो वो आर ई एम लगाने का तो मकसद क्या हुआ फिर? तो बेबक छोटी करते हैं तो बॉडी में फॉन्ट साइज छोटा कर देंगे तो सब छोटा है। बॉडी के साइज़ हम कभी भी छोटा नहीं करेंगे। बॉडी का अगर फॉन्ट साइज, बॉडी में अगर फॉन्ट साइज छोटा करते हैं बॉडी का, बॉडी का फॉन्ट साइज हम क्यों छोटा करेंगे? ये हम करते नहीं है, लेकिन कर सकते हैं ये हम, कि जी हम मीडिया क्वेरी लगा दें कि यार स्क्रीन जब छोटी होती तो फॉन्ट भी छोटा कर दो, लेकिन ऐसा करते नहीं है हम कभी भी, क्योंकि छोटे स्क्रीन साइज़ जो होते हैं फ़ोन के, उस पर भी फॉन्ट हमें 16 पिक्सल का ही दिखाना है, अगर छोटा कर दूंगा तो वो और रीडेबल नहीं रहेगा। छोटी स्क्रीन पर तो और ज़्यादा मसला है ना, फॉन्ट का साइज़ बड़ा होना चाहिए छोटी स्क्रीन पर। नहीं, प्रॉपर्टी में समझा नहीं तुम्हारी बात। नहीं, वो तो दे दिया ना मैंने, वो तो अब मैंने दे दिया, ये मेरी ऐप प्रोडक्शन में इस वक्त है, ये वो मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया, मैंने बॉर्डर का साइज़ जो है ना इसके हिसाब से दिया है, कि जी जो फॉन्ट है ना उस हिसाब से बॉर्डर दिया है, और जो फॉन्ट है उस हिसाब से मार्जिन दिया है, कि कभी अगर बॉडी का साइज़ चेंज हो तो साथ साथ मार्जिन भी बढ़ेगा या कम होगा। मेरा सवाल ये है कि बॉडी का फॉन्ट चेंज कब होगा? ये तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये आपके सामने एक वेबसाइट खुली हुई है या आपके सामने google.com खुला हुआ है, क्या आपके पास ये एक्सेस होता है कि आप उसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर दें? वो तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जाना पड़ता है, वो तो टेक्निकल नॉलेज चाहिए उसके लिए, आम बंदे के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो फॉन्ट का साइज़ चेंज करे। अब ऐसा होगा कब? सर वो यूज़र वैसे भी गूगल पर जाके फॉन्ट साइज चेंज कर सकता है। नहीं, गूगल वालों ने तो फीचर दिया हुआ है ना, तो फिर आपकी वेबसाइट में भी फ़ीचर देना होगा आपको। अगर आपने ये फ़ीचर नहीं दिया हुआ, जैसे गूगल की तरह आपने अगर ये फ़ीचर नहीं दिया हुआ कि फॉन्ट का साइज़ बंदा चेंज कर सके। एक मसला ये आता है कि यूज़र जब वो फॉन्ट जब अपना छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर रहा होता है ब्राउज़र के अंदर ही, जो उसको फीचर मिलता है, तो पिक्सल पे उतना ही रहता है और रैम पे छोटा बड़ा हो जाता है। ब्राउज़र के अंदर कैसे फॉन्ट चेंज होता है? सर जैसे कुछ यूज़र होते हैं ब्राउज़र के अंदर, एक ऑप्शन होता है कि वो बड़ा कर देते हैं फॉन्ट, ऐसा एक फीचर होता है ब्राउज़र। देख लेते हैं सेटिंग में। सेटिंग होता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज चेंज करते हैं ना, टाइम से फॉन्ट थीम आ रहा है यहाँ तो फॉन्ट साइज़। हाँ, मीडियम और लार्ज। अच्छा अच्छा, इस पर अगर हम अगर फॉन्ट का पिक्सल यूज़ करेंगे ना तो वो पिक्सल चेंज नहीं करेगा, इसको रैम चेंज करते। हाँ भाई, बढ़ा दिया इसने, ठीक है। अच्छा, बात तो तुमने सही बताई है, लेकिन वो असल बात क्या है वो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो, फॉन्ट का साइज़ जो चेंज होगा ना, वो जब चेंज होगा जब एक्सेसिबिलिटी की बात आएगी। असल में ये देखो, एक्सेसिबिलिटी में ही शायद होगा ये फॉन्ट, नहीं एक्सेसिबिलिटी में नहीं है, ये कहीं और है। ये था किधर? ये फॉन्ट लिखता था तो मैं ये जाता कहाँ था? अपीयरेंस में जाता है ये, अपीयरेंस में। हाँ, अपीयरेंस के अंदर कहीं है ये, यानी यहाँ पर है ये रहा फॉन्ट साइज़, ठीक है। वैसे तो ये अपीयरेंस में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी के ना बहुत सारे टूल्स होते हैं जो बहुत सारे यूज़र इस्तेमाल करते हैं जिनको उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। मे बी बंदा वो विजुअली इम्पेयर्ड हो सकता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो एक्सटेंशंस होती हैं बहुत सारी जो आ जाती हैं, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सेटिंग में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो इंस्टॉल हो जाता है और वो हर जगह के साइज़ को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह फ़ोन में भी आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भी टेक्स्ट का साइज़ अपना सेटिंग से जाके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ में भी होता है कि जी आप फॉन्ट का साइज़ 200% कर सकते हैं सेटिंग में से जाके, तो ये एक्सेसिबिलिटी का चक्कर होता है सारा, ठीक है। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी में और भी चीज़ें होती हैं फिर वो कुछ, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड होना ऐसा नहीं है कि बंदा पूरा ही अंधा होगा। विजुअली इम्पेयर्ड होने के बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी, जो कहते हैं ना 50 Shades of Grey, वो वाला हिसाब है कि 40-50 अलग अलग तरह के विजुअल इम्पेयर्ड लोग होते हैं। कुछ को कंट्रास्ट नहीं दिखता, कुछ को कलर्स नहीं दिखते, कुछ को ज़रा बड़ा करके दिखता है, छोटा छोटा नहीं दिखता, कुछ को ज़रा एंगल आगे पीछे होता है, ठीक है। कुछ को वर्ड उड़ते हुए दिखते हैं, बहुत सारे अलग अलग हैं। ये आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये अलग दुनिया है पूरी। इसके लिए सॉफ्टवेयर्स बने हुए, एक जॉज करके सॉफ्टवेयर बड़ा मशहूर है वो, तो स्क्रीन रीडर्स जो हैं
तो ये वाले जब एक्सेसिबिलिटी के जो सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल होते हैं ना, तो फिर ये फॉन्ट का साइज़ वाइज वो सारा चेंज करते हैं, तो उसी हिसाब से क्या होना चाहिए कि फिर आपकी ऐप का भी साइज़ चेंज होना चाहिए। ठीक है, आईफोन में एक्सेसिबिलिटी में बड़ा अच्छा उन्होंने ये काम किया हुआ है, उसमें फॉन्ट इतना बड़ा भी हो जाता है ना कि पूरी स्क्रीन पर 3 कैरेक्टर ही आते हैं सिर्फ, यानी कराची 2 लाइन में लिखा हुआ है, इतना बड़ा भी हो जाता है फॉन्ट का साइज़। तो उन्होंने दिया हुआ है भाई फ़ीचर, यानी पता नहीं 800% तक बढ़ा सकते हैं आप फॉन्ट को उसमें। तो जब वो वाला फॉन्ट बढ़ता है और आपकी ऐप अपनी जगह खड़ी हुई है, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आपकी ऐप के लिए, आपकी ऐप अपनी जगह खड़ी हुई है, बाकी सब ऊपर निकल गया। तो इस वजह से ये ज़रूरी होता है कि हम ना इन चीज़ों का ख्याल रखें। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जो HTML का डेवलपर सुना है कभी? HTML का डेवलपर नहीं सुना ना कभी? HTML डेवलपर्स भी होते हैं, वो एक्सेसिबिलिटी वाले जो बंदे होते हैं ना, जो एक्सेसिबिलिटी HTML लिखते हैं या वेबसाइट पे एक्सेसिबिलिटी ऐड करते हैं, वो असल में HTML डेवलपर्स होते हैं। तो वो हमसे भी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, जो फुल स्टैक डेवलपर से भी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं वो। ठीक है, वेल अभी एक्सेसिबिलिटी हमारा टॉपिक नहीं है यहाँ पे, ज़रा खुश क्या, ज़रा मुश्किल है, ज़ाहिर है जब भी पैसे ज़्यादा हैं तो। और करती भी सिर्फ बड़ी कंपनीज है ये, छोटी मोटी कंपनीज वो कहती हैं अच्छा यार REM लगा दिया तो सही, एक्सेसिबिलिटी हो गया, यहीं तक था। सही है, तो एक्सेसिबिलिटी HTML जो लिखने वाला बंदा होता है ना, वो हमसे भी ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। चलें जी, ये तो थोड़ी सी बात हो गई एक्सेसिबिलिटी की, हमने इस पे बॉर्डर लगा दिया। अब डिलीट का बटन जब हम दबाते हैं ना, तो हमें क्या कराना है, ये पोस्ट डिलीट करानी है सम हाउ, हमने API कॉल करनी है किसके साथ, इस पोस्ट की जो भी ID है इसके साथ, कि भाई जाओ इसको उड़ा दो, डिलीट कर दो इसको। आ जाते हैं भाई हम डिलीट करने के लिए इसको, तो डिलीट का अच्छा इसी तरह मेरे पास एक एडिट का भी बटन होगा। ठीक है, एडिट का भी बटन होगा, तो इन दोनों पे मुझे क्या करना है, इन दोनों पे मुझे ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन लगाना है मुझे। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखना है, डिलीट प्रोडक्ट और ID पास करनी है इसके अंदर, डॉट अंडरस्कोर ID। सही है, तो अब मैं जब डिलीट प्रोडक्ट कॉल करूंगा तो ये ID मुझे वहां पे मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा एक बड़ा टेक्स्ट का टेम्पलेट है, ये इसको स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, ये ES6 टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, तो ये टेम्पलेटिंग कर रहे हैं हम, तो जब ये वाला जो पार्ट है ना, जब हमने ये देखा था कि जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये पूरा पार्ट है ना, जब जब ये उठ के जाएगा जिस वेरिएबल में भी हम डाल रहे हैं उसको, तो ये सारे वेरिएबल्स एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस हो चुके होंगे, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, इतने पार्ट पर एक ID आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये कि जब ये फंक्शन चलेगा तो मुझे उस फंक्शन के पैरामीटर में वो ID मिलना शुरू हो जाएगी। तो जाके देखते हैं जी क्या रिपोर्ट है नीचे। अच्छा, ये डिलीट प्रोडक्ट को मैं ज़रा कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट इक्वल्स, ठीक है, और एसिंक का वेट लगा देते हैं इसके अंदर हम। अच्छा, ये ना कॉन्स्ट करके नहीं बनेगा, ये बनेगा विंडो डॉट करके। सही है, अगर मैं इसको विंडो डॉट करके नहीं बनाऊंगा तो ये यहाँ पे मिलेगा नहीं इसको, क्योंकि हम मॉड्यूल टाइप मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ज़रा सिक्योरिटी के मामला सख्त किए हुए इन्होंने, सिक्योरिटी नाफिज की हुई है, तो ज़रा कुछ चीज़ें। अच्छा, विंडो डॉट करके बनाना जो है वो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये जो मैं बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड तरीका तो ये है कि आप उसके ऊपर एक ID लगाएंगे, और ID के ऊपर आप लगाएंगे डॉट इवेंट लिसनर करके। ठीक है, ID पे आप कैसे लगाएंगे, कि यहाँ पे एक अदद ID होगी, जो भी ID ही मतलब जो पोस्ट की ID है ना, यूनिक है वो, तो वही ID दे सकते हैं आप। हाँ, वो अभी अभी उसका तो बनाया नहीं है ना हमने, पहले डिलीट को ज़रा कंप्लीट कर लें, और यहाँ पे मुझे ID मिल जाएगी, और उसके अंदर जाके मैंने क्या करना है, एग्जियोस कॉल करना है। एग्जियोस को ज़रा मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, तो गेट ऑल प्रोडक्ट में किया है ना मैंने, ये रहा, ठीक है, ट्राई के साथ ही कॉल कर लेते हैं उसको। ये मैंने लगा दिया, नीचे का कैच भी सेम ही रहेगा मेरा एक्चुअली।
दिया उसको, सही है। और अब की बार मैं इसको डिलीट की एपीआई को कॉल करूँगा और स्लैश प्रोडक्ट स्लैश इस आईडी को मैं लगा दूँगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस आईडी नहीं, इसको ज़रा वो बनाता हूँ, टेम्पलेट बनाता हूँ, प्लस करके भी मैं कर सकता हूँ लेकिन ज़रा सा वो मेक सेंस ये वाला रहता है ज़्यादा। अच्छा जी, ये हमने कर दिया, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ ओके है, ओके की रिपोर्ट है बिल्कुल। इसको ज़रा कॉन्सोल भी करा लेते हैं जस्ट इन केस कि हमें इसमें ना क्या मिल रहा है, ठीक है। और सेव किया इसको मैंने, अब जब आके मैं कॉन्सोल पे आ जाता हूँ इधर और इसको रिफ्रेश कर लेता है। अब जब मैं ये डिलीट का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास कॉन्सोल पे इस पोस्ट की आईडी आ जानी चाहिए और सर्वर पे जाके ये पोस्ट डिलीट भी हो जानी चाहिए। तो मैंने डिलीट का बटन दबाया, अब इसने जाके जो है ना वो वाला एरर दे दिया जो पहले नहीं दे रहा है ना, कॉर्स वाला एरर दिया इसने, पहले नहीं दे रहा था, गेट में नहीं दिया, डिलीट में दिया इसने। हाँ कोर्स को वही तो, जब भी मैंने कमेंट किया था मैंने कहा यार एरर दे क्यों नहीं रहा। सही है, रिस्पांस अनडिफाइन क्यों आया भाई दादा, रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस डॉट डेटा लिखा हुआ है ना मैंने, इसलिए वो अनडिफाइन आया क्योंकि रिस्पांस के ऊपर मैं डॉट डेटा नहीं भेजता, रिस्पांस में भेजता हूँ डेटा डॉट मैसेज एक्चुअली, ठीक है। तो अच्छा, तो ये डिलीट हो चुकी है प्रोडक्ट की एक्चुअली, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये प्रोडक्ट मुझे नहीं नज़र आएगी, ठीक है, न्यू नेम वाली गायब हो चुकी है प्रोडक्ट, ठीक है। मैं इसको भी डिलीट कर दूँगा तो ये भी नज़र नहीं, यार ये फॉर्म कहाँ चला गया मेरा, प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं बनाया था हमने, अच्छा डायरेक्ट मैंने गेट, हाँ पोस्ट, हाँ अच्छा फॉर्म नहीं बनाया, बना लेते हैं अभी। तो डिलीट मेरी कंप्लीट हो गई है, तो पहले तो फॉर्म बना लेते हैं सबसे पहले आगे यार। ओके और मैं कहता हूँ जी के प्रोडक्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया जी ये, और मैंने इसको करके आईडी आपका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, ठीक है जी, बी आर, उसके बाद नेम के बाद प्राइस और डिस्क्रिप्शन, राइट, उसके बाद एक अदर बटन, ठीक है जी। नेम के बाद प्राइस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मैंने ये गलत फॉर्म बना दिया। और इसका जो ये बटन है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अगर फॉर्म के अंदर एक ही बटन हो तो उसको वो खुद ही सबमिट का बटन कंसिडर कर लेता है, लेकिन बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे लगाऊँ टाइप सबमिट, सही है। और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ इसको कि जी ऑन सबमिट के ऊपर एक फंक्शन चला दो, लेकिन जब मैं ऐसे करके बोलूँगा ना तो नीचे मुझे फंक्शन विंडो डॉट करके बनाना होगा, तो बेहतर ये है कि मैं इसको ऐसे ना बोलूँ, मैं इसको बोलूँ कि यार आईडी आपकी और एड प्रोडक्ट फॉर्म, ऐसे करके मैंने नाम दे दिया इसको, ठीक है। और नीचे जाके मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा और इसके नाम के साथ मैं उसको अटैच कर दूँगा, ठीक है। मैं गेट से भी पहले कोशिश करता हूँ इसको बना लूँ, और मैं डायरेक्ट क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, सबमिट। विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर तो विंडो डॉट करके ही होता है ना, आईडी पे भी लगा सकते हैं, हाँ नहीं यार सही है, सबमिट तो उस एलिमेंट पे लगेगा, वरना तो पूरे विंडो पे कहीं भी सबमिट चलेगा वो पकड़ लेगा, हाँ इसमें तो आइडियली मुझे वो करना चाहिए ना, डॉक्यूमेंट डॉट डन क्वेरी सेलेक्टर, और मैंने कहा कि जी आप क्या ले लो, हैश एड प्रोडक्ट फॉर्म लिखा था मैंने ना, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि अब डॉट इवेंट लिसनर इस पर, यानी सिर्फ इसी एलिमेंट के ऊपर जो सबमिट आएगा तो अब ये पकड़ेगा। और पहले मैंने क्या किया था, फंक्शन अलग से बनाया था, अब की बार मैं फंक्शन यहीं पे पास कर देता हूँ ऐसे करके,
सही है, ये भी सही तरीका है और वो भी सही तरीका है कि जी फंक्शन अलग से बना के नाम लिख दिए या फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दूँ मैं, एक ही बात है। अच्छा, और मैं यहाँ पे कहता हूँ सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि वो तीनों वैल्यूज़ उठानी है यहाँ पे। अच्छा, तीनों पे ना मैं रिक्वायर्ड एक तो कॉल कर देता हूँ क्योंकि तीनों रिक्वायर्ड है मेरे पास सर्वर पे भी। सही है, तीनों को मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। दूसरा प्राइस को मैं कर देता हूँ यहाँ पे नंबर, लेकिन स्टिल प्राइस मुझे मिलेगा स्ट्रिंग में ही। और डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं लगा देता हूँ, मैक्स लेंथ लगा देता हूँ मैं, मे बी 200 के जी, 200 से ज़्यादा ना हुई, दैट्स इट। ठीक है, और अब मैंने क्या करना है इन तीनों को, डॉक्यूमेंट डॉट, क्वेरी सेलेक्टर, ये मैंने पकड़ लिया, और डॉट वैल्यू। सही है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट एक बना लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट इन्हीं नामों से बना लेता हूँ। ये तीनों मैंने वैल्यू उठा ली फॉर्म से, और अब ये वैल्यू उठाने के बाद मैंने अगेन क्या करना है, एक्सियोस सेट करना है, और एक्सियोस से जो है ना इसको भेज देना है मैंने इसके घर। ये पूरा ट्राई कैच मुझे चाहिए होगा जो कि डिलीट में सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी ट्राई, और एसिंक ये नहीं बना हुआ, एसिंक बना देते हैं इसको। ठीक है, वेट, क्योंकि यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। डॉट पोस्ट की API हिट करनी है मैंने, और स्लैश प्रोडक्ट के बाद ID की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सियोस के अंदर जब हम पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं तो सेकंड पैरामीटर जो होता है वो जेसन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट ये कंसिडर करता है, जेसन आएगा मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करना है जी कि नेम इक्वल्स टू नेम ऐसे, और प्राइस इक्वल्स टू प्राइस। और क्योंकि हमने ES6 इस्तेमाल किया हुआ है, तो ES6 में हमारे पास एक फ़ीचर होता है ना कि मैं डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन लिखने के बजाय मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन भी लिख दूँ तो समझ जाता है। जैसे प्राइस इक्वल्स टू प्राइस की जगह ना मैं सिर्फ प्राइस भी लिख दूँ तो सही है। हाँ, नाम के इक्वल लेकिन होना चाहिए। अगर की और वैल्यू इधर दोनों सेम आ रही है ना, तो मैं इसकी जगह से एक भी लिख सकता हूँ प्राइस। ठीक है, एक को मैंने छोड़ दिया, बाकी दोनों को मैंने ESX वाला कर दिया। ठीक है, ऐसे भी सही है, मतलब ताकि दोनों आपको याद रहे जब आप ये कोड देखें तो। अच्छा, ये पोस्ट लगा दिया मैंने, पोस्ट के बाद रिस्पॉन्स डॉट डेटा को मैंने कॉन्सोल करवाया स्क्रीन पर, और कैच के ऊपर मैंने बस एक एरर का कॉन्सोल करा दिया। आइडियली मुझे ये डेटा स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहिए, कॉन्सोल पर प्रिंट तो डेवलपर के लिए होता है ना सिर्फ, अदरवाइज़ स्क्रीन पे भी कहीं ना कहीं मुझे पॉपअप या कोई अलर्ट, या कोई अलर्ट तो खैर ब्लॉकिंग कोड है उसको रेकमेंड नहीं करते, टोस्ट अगर दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर है। यार है नाम क्या बताओ, स्वीट अलर्ट तो एक है, स्वीट अलर्ट में टोस्ट भी होता है, ये आ गया ना, देखो स्वीट अलर्ट में ही टोस्ट है तो सही। देखो रिएक्ट असल में जावास्क्रिप्ट ही है, रिएक्ट पे जो चीज़ लग रही है उसको जावास्क्रिप्ट पे भी लगना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि वो रिएक्ट में ज़रा करते ही एलिमेंट बना के दे देते हैं, वो कंपोनेंट बना के दे देते हैं, तो उसमें ज़रा बंदा, नया बंदा कन्फ्यूज़ हो जाए यार ये क्या चक्कर हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ रिएक्ट पे लगती है ना वो प्लेन HTML पे भी लगनी चाहिए, और कोई ना कोई, यानी जो लाइब्रेरी अगर रिएक्ट के लिए बनी हुई है तो उसकी एक API उन्होंने प्लेन जावास्क्रिप्ट के लिए निकाली होती है, क्योंकि मे बी अगर आप रिएक्ट यूज़ नहीं कर रहे, आप कोई Vue.js यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो तो लाइब्रेरी की लिमिटेशन हो गई ना। तो जो समझदार लाइब्रेरी के ऑथर्स हैं वो एक API निकाल देते हैं इसके लिए भी। अच्छा, इन्होंने तो यार देखो ऐसे किया हुआ है, इंस्टॉलेशन ये किस पे बताया हुआ है इसने, सभी है भाई इसमें तो, ये रहा ना CDN लगा हुआ है। सही है, सही है, इम्पोर्ट। अच्छा, फ्रंट एंड पे हमारे पास जो इम्पोर्ट चलता है ना वो ज़रा सा थोड़ा सा मुख्तलिफ है नॉर्ड JS वाले से,
ठीक है, लेकिन इम्पोर्ट चलता है इसके अंदर भी। सही है, इसने इसके लिए भी बताया अलग से ये स्क्रिप्ट वाला तरीका, और फिर अगर रिएक्ट पे आप हो तो उसके लिए ES6 वाला तरीका बताया है। ठीक है, इसमें भी इम्पोर्ट हो जाता है बाय द वे, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना इम्पोर्ट का सिंटैक्स तो ये अलाउ करता है इम्पोर्ट करना। अब वो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाते कैसे, हम इवन इसको भी ना एक्जियोस को यहाँ पे इम्पोर्ट करके मैं चला सकता हूँ, स्क्रिप्ट करके मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है उसको, यानी मॉड्यूल टाइप मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, लेकिन स्टिल उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर नॉड जेएस इंस्टॉल करना होगा, npm से उसको डाउनलोड करना होगा, फिर वो नॉड मॉड्यूल आ जाएगा। तो ज़रा वो जो नए बच्चे हैं वो ज़रा बोलेंगे यार ये क्या हो गया, तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसको स्क्रिप्ट से ही लगा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली इसको हम ज़रा करके देखेंगे npm से भी। ठीक है, तो ये मैंने जो अभी सेटअप लगाया है ये मैंने टू कीप इट सिंपल इसको मैंने इस तरह से रखा है। अच्छा जी, रिफ्रेश किया मैंने, मेरे पास फॉर्म बना हुआ आ गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कि जी सम नेम और कुछ प्राइस लिखी मैंने और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी, और अब मैं इसको ट्राई करता हूँ ऐड टू डेटाबेस, तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ, पेज तो रिफ्रेश हो गया लेकिन ऐड तो हो जाना चाहिए। अच्छा पहले तो इसके यार रिफ्रेश का कुछ करते हैं, ये रिफ्रेश जो हो रहा है ना इसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, यहाँ पे इवेंट मिलता है और इवेंट के ऊपर मैं नहीं नहीं वो तो API तो हिट हो गई ना, API तो हिट हो गई, वो कुछ एरर आया होगा मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे दिखा नहीं, कुछ एरर आया होगा जो कि मुझे दिखा नहीं उसके ऊपर ना, प्रोडक्ट क्रिएटेड तो लिखा हुआ आ गया, अब मैं रिफ्रेश करूँ तो आ गया प्रोडक्ट। हाँ शायद वो जो है ना API हिट होने से पहले ही रिफ्रेश हो गया था। अच्छा अब जब मैं मेरे पास प्रोडक्ट ऐड हो जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे गेट ऑल प्रोडक्ट वाला फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, गेट ऑल प्रोडक्ट का फंक्शन मैंने जब भी अलग से बनाया था, मैंने ऐसे डायरेक्ट पास नहीं किया उसमें, क्योंकि मुझे और भी जगहों पे उसको कॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब क्या होगा, अब जब मैं आके ना यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ऐड करूँगा जब, तो जैसे ही ऐड कम्प्लीट होगा वो गेट ऑल प्रोडक्ट दोबारा हिट करेगा, तो बग़ैर पेज रिफ्रेश हुए मुझे यहाँ पर नया प्रोडक्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि अच्छा यार ऐसे हो गया। अच्छा स्टिल दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि जो है ना मैं हर दफ़ा प्रोडक्ट ऐड होने पे गेट ऑल प्रोडक्ट करूँ, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आइडियली होना ये चाहिए कि जिस रिक्वेस्ट में ना मेरी प्रोडक्ट ऐड हुई है उसी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में ना मुझे एक प्रोडक्ट मिल जाए जिसको मैं ला के ज़रा खामोशी से पुश करा दूँ, क्योंकि तमाम प्रोडक्ट को ऐड करने से क्या होता है, सर्वर की रिसोर्स ज़ाया होती है, यानी यूटिलाइजेशन बढ़ती है मेरे सर्वर की। तो ये आइडियल नहीं है मेरे लिए कि मैं तमाम प्रोडक्ट को हर दफ़ा गेट करूँ, आइडियली ये कि मैं एक प्रोडक्ट गेट करूँ समहाउ इसी रिक्वेस्ट के अंदर, या बल्कि इस केस में तो मुझे गेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो पता है कि क्या मैंने रखा है, वो तीन ही तो चीज़ें। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इन्हीं को जो है ना लोकली ही उसको पुश भी करा दूँ, लेकिन लोकली पुश कराने में ये होगा मुझे आईडी नहीं मिलेगी _ID जो है, तो _ID ना मिलने की वजह से फिर उस पर अगर मैंने फ़ौरन डिलीट किया तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ से मुझे सर्वर का रिस्पांस, अब मेरे पास जो प्रोडक्ट ऐड होता है उसमें मुझे क्या वो देता है, अगर मैं पोस्ट वाले पे जाऊँ और इसको ओपन करूँ और जब मैं प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, इस रिज़ल्ट को मैंने प्रिंट नहीं करवाया, इस रिज़ल्ट में मुझे वो आईडी मिलती है आई थिंक। ठीक है, करा लेते हैं रिज़ल्ट को प्रिंट ज़रा। अब आगे ज़रा एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ये मैंने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया, हाँ ये इसने देखो बता दिया ना कि रिज़ल्ट में ना एक्नॉलेज ट्रू और इंसर्टेड आईडी की ये इसने ऑब्जेक्ट आईडी मुझे बना के दे दी। तो बस ये ऑब्जेक्ट आईडी अगर मैं वापस मंगवा लेता हूँ इसके रिस्पांस में, तो मुझे एक और API हिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन द फर्स्ट प्लेस, मुझे बगैर API हिट किए ही मेरे पास लोकली वो डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा उसके लिए एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा कि भाई इसी के रिस्पांस में अगर कोई चीज़ आती है ना तो आप क्या करोगे, फिर वो किधर गया मेरा वो गेट ऑल, मैं क्या करूँगा इसी को उठाऊँगा दोबारा प्रोडक्ट डिव को,
और प्रोडक्ट डिव के अंदर इनर एचटीएमएल करके उसको ज़रा सा मैं ऐसे करूँगा, ठीक है। अच्छा, और मैंने क्या करना था इसके बाद, काम अगला ऐड प्रोडक्ट का काम कंप्लीट हो गया मेरा, और गेट ऑल प्रोडक्ट का भी काम कंप्लीट हो गया। हाँ, डिलीट पे भी मैं आइडियली, डिलीट पे भी आइडियली क्या होगा कि मैं लोकली ही उसको रिमूव कर दूँ, जो प्रोडक्ट डिलीट हो गई ना उसको मैं सर्वर पे नहीं जाऊँ तमाम प्रोडक्ट, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना टाइम बचाने के लिए गेट ऑल प्रोडक्ट ही लगा देता हूँ, ठीक है। स्टिल मुझे ये चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैंने डिलीट किया फ्रंट एंड से वो मैं लोकली ही रिमूव कर दूँ, ताकि सर्वर पे एक API कॉल बच जाए मेरा। अच्छा, अब आके ज़रा डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो डिलीट करते ही क्या होना चाहिए मेरे पास, वो स्क्रीन से गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। स्क्रीन से गायब हो रही है, ठीक है, मेरा काम बिल्कुल सेट हो गया यहाँ तक। कोई भी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो वो ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट में भी सारा यही कुछ हो रहा होता है, रिएक्ट में भी सब कुछ इसी तरह हो रहा होता है, जस्ट उसमें ज़रा मेथड बना के उन्होंने दे दिए तो चीज़ें ज़रा टाइम बचा देता है वो, ज़रा हो सब यही रहा है उसके अंदर भी, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मैंने इनर HTML का इस्तेमाल कर लिया तो उसमें ज़रा उन्होंने मेथड वेथड प्रॉपर लगाए हुए, तो बंदे की सुस्ती कायली से ऐप की परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐप की परफॉर्मेंस वही रहती है, कोड ज़रा सा कम लिखना पड़ता है कुछ कुछ केसेस में। अब एडिट का ज़रा बना लेते हैं, सही है। और एडिट में मैंने क्या, अच्छा एडिट के अब क्या तरीके हो सकते हैं, एडिट में ना आइडियली क्या होना चाहिए कि जब मैं इस एडिट का बटन दबाऊं, अभी तो उस पर डिलीट का फंक्शन लगा हुआ है पीछे, एडिट का बटन दबाऊं तो मेरे पास या तो पॉपअप खुले जिसमें मैं डेटा दूं उसको कि यार अब एडिट क्या करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि इसी फॉर्म में एडिट का डेटा ला के रखवा देते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से, डिज़ाइन परस्पेक्टिव से ना ज़रा, जो यूज़र के एक्सपीरियंस के परस्पेक्टिव से ज़रा मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब वो डेटा आ जाता है ना, नया डेटा भी इसी फॉर्म से ऐड हो रहा है और एडिट भी इसी से हो रहा है, तो ये ज़रा मुनासिब नहीं है। आइडियली या तो मेरे पास कोई पॉपअप आए, कोई डायलॉग बॉक्स खुले, या इसी जगह पे उसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाए, यही जो टेक्स्ट है ना मेरा, यही टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाए और यहीं पर मैं एडिट करके यहीं पर सबमिट करूँ और काम हो जाए मेरा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक हो, या तो डायलॉग बॉक्स या तो यही वाला टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स में। तो मेरा ख्याल है कि अभी इसी वाले को टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बजाय डायलॉग बॉक्स खुलवाने के, क्योंकि डायलॉग बॉक्स खुलवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कोई ना कोई लाइब्रेरी चाहिए होगी जिससे मैं डायलॉग बॉक्स खुलवाऊँ, या मुझे फिर ख़ुद की डिव बना के उस पर छोटी मोटी CSS लगा के उसको एब्सोल्यूट करूँगा मैं, सेंटर करूँगा और फिर जाके उस पर एक फॉर्म बनाऊँगा। तो इस तरह की मुझे चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर ये है कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट पे एडिट का बटन दबा दिया तो किसी दूसरे पे भी मैं एडिट का बटन दबा नहीं सकूँ, फिर उसके लिए भी मुझे एक स्क्रीन पे पूरी एक लेयर लगानी पड़ेगी, उसके ऊपर वो डिव रखना पड़ेगा ताकि किसी और पे क्लिक ना हो, फिर उस पे क्रॉस का बटन बनाना पड़ेगा कि जिससे वो बंद भी कर सकूँ मैं, ठीक है। फिर इस तरह की बहुत सारी मतलब तफसीलात मुझे करनी पड़ेंगी, ठीक है, अदरवाइज़ वो कोड फिर इमेच्योर रहेगा अदरवाइज़। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करने में ना कोड कम लिखना पड़ेगा फिलहाल के लिए, तो हम ये वाला काम कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो ये गेट ऑल प्रोडक्ट में जाके ना मैं इसका एडिट प्रोडक्ट बना देता हूँ इसको। अच्छा, एडिट प्रोडक्ट के लिए मुझे ID चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैं अपडेट की चलाता हूँ इस पर क्वेरी तो मुझे ID साथ भेजनी है कि यार फला चीज़ को अपडेट करो, ID ये वाली है। अच्छा, और साथ में मुझे क्या चाहिए अपडेट करवाते हुए, क्योंकि जब वो टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट होगा तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं वो उसमें लिखी भी आनी चाहिए, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे मुझे कॉमा डाल के ना कुछ और भी वैल्यूज़ होना ये चाहिए कि मैं उसको भेज दूँ यहाँ पे। अच्छा, कैसे भेजूँगा मैं वो वाली वैल्यूज़, एक ऑब्जेक्ट भेजना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, ऑब्जेक्ट भेजते हैं, चलो क्या है वो ऑब्जेक्ट, ईच प्रोडक्ट है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने ईच प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉमा डाल के रख दिया, हाँ ID भी उसमें मिल जाएगा। वेल, अभी लेकिन पहले तो ईच प्रोडक्ट क्या ये मुझे मिल जाएगा इस तरह लिखने से, हाँ भाई ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये इसका कॉल सिग्नेचर है और इसके कॉल सिग्नेचर में पहला पैरामीटर और कॉमा डाल के ये दूसरा पैरामीटर है और डॉट डॉट करके चीज़ें सारी एक्सेस हो जाएंगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है,
हो जाएंगी? कितने लोग कह रहे हैं कि हो जाएंगी? कितने लोग कह रहे हैं मिल जाएगा? और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, वो क्यों नहीं मिलेगा, वो भी बताओ ना। अक्कड़ वक्कड़ थोड़ी करना है, बताना है भाई। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जाएगा क्यों? मैं तो ऑब्जेक्ट भेजा है। अच्छा हाँ भाई सही कह रहे हैं ये। हाँ सर्वर पे एक और कॉल लगानी पड़ेगी जो कि मुनासिब नहीं है। तुम ये कह रहे हो ना कि आईडी यहाँ से सिर्फ भेज दूँ मैं और उस आईडी से मैं सर्वर से गेट कर लूँ और गेट करके प्रिंट करा दूँ। सही है, ठीक है, कर सकते हैं हम वो, लेकिन सर्वर की एक एडिशनल एपीआई कॉल लगेगी जो कि मुनासिब नहीं है। यहाँ से जब मेरे पास ऑलरेडी चीज़ मौजूद है ना, तो मैंने यहाँ का वाला अभी देना है उसको। सही है, तो भाई ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि ये पूरा क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में ये एक्चुअली क्या कर रहा होता है, कॉन्कैटिनेशन ही कर रहा होता है। ये तो हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं ना, तो इसको ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कभी भी हम कॉन्कैटिनेट करते हैं या स्ट्रिंग में पार्स करते हैं, यानी प्लस लगा के कोई अगर जोड़ जाड़ करके कॉन्कैटिनेशन वाला, तो वो उसको ऑब्जेक्ट नहीं समझता, फिर वो उसको वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता है। तो वेल हम ज़रा पहले आके ना नीचे, ठीक है। अच्छा ये अंडर स्कोर आई डी मुझे अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा ऑब्जेक्ट जब मैं भेज रहा हूँ तो उसमें अंडर स्कोर आई डी भी मुझे मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल इसको ऐसे करके ना ज़रा हम नीचे कॉन्सोल कराते हैं कि आया कि जो मेरा मफरूज़ा है वो ठीक है या कोई गड़बड़ है उसके अंदर, ठीक है। और गेट ऑल प्रोडक्ट मेरा ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैं बना देता हूँ एडिट प्रोडक्ट ना। अच्छा किस पे मैंने लगाना है ये, इस पे मैंने लगाना है इस वाले पे ना, विंडो डॉट एडिट प्रोडक्ट इक्वल्स टू करके बनाना है मुझे ये। नहीं HTML में यूज़ कर रहे हैं इसको हम, ये HTML है, ये अभी यहाँ दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो ये इसके अंदर आ जाएगा ना अल्टीमेटली, तो यहाँ थोड़ी रहेगा ये, तो जब यहाँ आ जाएगा तो ये HTML में चला गया। अच्छा जी एडिट प्रोडक्ट, एडिट प्रोडक्ट का ये फंक्शन मेरे पास बन के तैयार हो गया। इसमें जो इवेंट है ये वाला, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये ख़ुद से रिफ़्रेश वगैरह होने वाला मसला इसमें नहीं है, ठीक है। एडिट प्रोडक्ट के अंदर ये तीनों वैल्यूज़ मुझे इस तरह नहीं उठानी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक्चुअली इसमें एग्जॉस की रिक्वेस्ट भी नहीं लगानी मैंने, ठीक है। एडिट प्रोडक्ट में ये सब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं जस्ट इसको कॉन्सोल डॉट लॉग करता हूँ, और मैं इसको प्रोडक्ट को यहाँ से जो है ना, पूरा ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट का मेरे पास जो कि यहाँ पे मुझे मिलेगा इस तरह। तो इस प्रोडक्ट में मुझे मेरे मफरूज़े के तहत मुझे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, फिर इसका सॉल्यूशन हम करके देखते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। हाँ स्ट्रिंगिफाई करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा अब मुझे आइडियली क्या करना है, मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अगर मैं भेजूँ ना तो मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, सही है। और उसको हम कैसे करते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और फिर उसके अंदर जो है ना ईच प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये मुझे जो मिलेगा मिलना शुरू हो जाएगा क्या, मुझे ये यहाँ पे मुझे मिल जाएगा और स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इस पर डॉट लगाऊंगा नहीं मिलेगा कुछ भी मुझे, ठीक है। मैंने एडिट का बटन दबाया, व्हाट देख लेते हैं, इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। एडिट का बटन दबाया मैंने यहाँ पे, ओके। ये पता है चक्कर क्या हुआ है, ये चक्कर ये हुआ है कि जो चीज़ मैंने भेजी है वो ऑलरेडी स्ट्रिंग है और मैंने उसके बावजूद इस पर सिंगल कोटेशन लगाया हुआ है जिसकी ज़रूरत नहीं है, है ना। जो चीज़ मैंने ऑलरेडी भेजी है ना उस पर ये नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए ना मुझे तो ऑलरेडी। बाहर वाले को अभी देखते हैं, नहीं वो तो कोड में करना होता है, वंस वो जब रन टाइम पे होता है ना फिर शायद ज़रूरत नहीं होती इसकी मुझे,
तो करके देखते हैं अब दोबारा। रन टाइम पे जो है ना इसकी मुझे ज़रूरत नहीं होती, मैं दोबारा से इंस्पेक्शन करता हूँ इसकी। सही है, ठीक है, ओके। नहीं, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जो है ना ये जब मुझे मिलेगा तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं मिलेगा, अब तो ये मुझे नॉर्मल मिलेगा, अब तो मुझे ये वो वाला मिलेगा। लेकिन स्टिल ये मेरे पास ना वो स्ट्रिंग स्टिल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है मेरे पास, स्ट्रिंग मुझे जो है ना उसको सही करना पड़ेगा। सही कहा तुमने, बाहर वाले को मुझे सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में वो रन टाइम पे उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये रन टाइम पे भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में। अब ये सेट हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी एक मसला है यार। ये इसने जो है ना इसको वो कर दिया है, जितने भी मेरे पास ऐसा क्यों किया इसने। कंसोल में यही आएगा बस जो लिखा हुआ, और क्या आएगा। अरे नहीं यार, कंसोल में सही हो गया ये, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। यहाँ पे वैसा ही आ रहा है लेकिन कंसोल में सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात ये हुई है कि मुझे इसको पार्स नहीं करना पड़ेगा, नोट कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इसको तो स्ट्रिंग जैसा ही दिख रहा है, लेकिन जब मेरे पास आ रहा है ना तो वो डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि अब क्योंकि सिंगल कोटेशन भी नहीं है यहाँ पे, डबल कोटेशन भी नहीं है, डायरेक्ट वो एज अ स्ट्रिंग पूरे पास हो रहा है, तो वो मुझे एज अ ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो मुझे उसको दोबारा यहाँ पे पार्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सिंपली करना ये है, मुझे सिंपली करना ये है कि इस पूरे आइटम को ना मैंने चेंज करना है। ये जो पूरा 1 2 3 ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मुझे क्या लगाना है यहाँ पे, इनपुट बॉक्सेस लगाना है यहाँ पे, और इसको हटा देना है। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इस डब्बे की आईडी पता होनी चाहिए। इस डब्बे की इस वक्त कोई आईडी नहीं है, इसको आईडी देनी पड़ेगी। क्या दे दूँ इसको आईडी में, यही जो यूनिक आईडी है ना यही इसको दे देता हूँ मैं, ताकि जब मुझे ऑब्जेक्ट पूरा को पूरा मिलेगा उसमें से आईडी उठाऊंगा, उसी के जरिए उसको गेट कर लूँगा, ठीक है। तो इस डिव के ऊपर आके मैं क्या देता हूँ, मैं कहता हूँ आईडी आपकी क्या होगी भला, ईच प्रोडक्ट डॉट अंडर स्कोर आईडी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं कुछ प्रीफिक्स भी लगा देता हूँ, क्योंकि इस आईडी को मैं एक जगह और भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है मुझे शायद, तो इसके साथ मैं प्रीफिक्स लगाता हूँ कि बॉक्स अंडर स्कोर करके लगा देता हूँ, क्योंकि ये बॉक्स को दे रहा हूँ मैं आईडी, तो मुझे पता चल जाएगा बॉक्स और इस वाले पोस्ट की आईडी है, ठीक है। क्योंकि मैं ये वाली सेम आईडी एक दो जगह और भी लगाना चाह रहा हूँ, तो प्रीफिक्स चेंज करूँगा, आईडी सेम रखूँगा मैं। अच्छा, तो ये बॉक्स मेरे पकड़ में आ गया। अब मैं आके बोलूँगा यहाँ पे कि यार डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर या गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक ही बात है। और इसके ऊपर आके मैं बोलूँगा कि जो है ना आप क्या पकड़ लो, प्रोडक्ट डॉट अंडर स्कोर आई डी, लेकिन साथ में मैंने प्रीफिक्स भी लगाया है बॉक्स, तो मैं बॉक्स अंडर स्कोर ऐसे पकड़ में आ जाएगा वो पूरा डब्बा इससे। अच्छा, और इसको मैं एक इसमें लगा लेता हूँ, लेट बॉक्स इक्वल्स करके ऐसे ना लगा लेता हूँ। अब जो इसका इनर HTML है उसको मैं क्या कर दूँगा, ज़ीरो कर दूँगा सबको। मैं कहूँगा बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग, डब्बा खाली करा लिया मैंने। अब इस डब्बे के अंदर मैं एक फॉर्म रखवा देता हूँ। अच्छा, डब्बा खाली कराने का मतलब है कि ये डिलीट और एडिट का बटन भी गायब हो जाएगा, सही है, मसला तो नहीं होगा अभी कोई। अब क्योंकि वंस वो एडिट का बटन दबा दिया ना बंदे ने, तो जो मैं फॉर्म शो कराऊंगा उसमें सबमिट का बटन होगा, एक अपडेट का बटन होगा उसमें, कंप्लीट एडिट या अपडेट या जो भी उसको नाम दे दो आप। हाँ, वो भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बना दूँ और नेम को छोड़ दूँ, ये कह रहे हो तुम, फिर प्राइस को छोड़ दूँ और इसके आगे ये वाले को इनपुट बॉक्स बना दूँ, इसको छोड़ दूँ, इस पर ये बॉक्स बना दूँ। ये एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस सही नहीं रहेगा उसका,
यूज़र एक्सपीरियंस से सही नहीं रहेगा। नीचे बटन तो एडिट के आ रहे हैं ना, मैं इसका एडिट का बटन दबाता हूँ, इसके नीचे एक और भी पोस्ट होगी उस पर भी दबा देता हूँ, मैं तीन चार पे एक साथ एडिट का बटन दबा दूँ अगर, तो फिर ये मैनी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। सब पे एडिट लगाएंगे, सब पे कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ छः छः हो जाएंगे, लेकिन किसी एक का बटन दबाऊंगा तो एडिट वही वाला होगा। हाँ सेम पेज पे छः सात फॉर्म शो हो जाएंगे, लेकिन मैं जिस पे भी चेंज करके अपडेट करूँगा ना, होगा उसी पे अपडेट हो, ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी और का अपडेट किसी और पे चला जाए। पॉसिबिलिटीज़ सर्टेनिटी रहेगी 100%। ठीक है, जो आईफोन में आपको पता ना बैक का बटन उन्होंने ख़त्म कर दिया था आज से 10-15 साल पहले ही, रखा ही नहीं बल्कि इन द फर्स्ट प्लेस उन्होंने बैक का बटन उन्होंने नहीं रखा फिजिकल, क्योंकि बैक का जो बटन होता है ना किसी भी मोबाइल फ़ोन में, उसके अंदर आप सर्टेनिटी से ये कह नहीं सकते कि अगर मैं बैक का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, ये नहीं कह सकते आप। एंड्रॉयड फ़ोन में होता है ना बैक का बटन, और भी दूसरों में भी होता है, सैम्बियन वैम्बियन भी अब तो खैर ख़त्म हो गया सैम्बियन, विंडोज़ फ़ोन है, ब्लैकबेरी है, इन सब में बैक का बटन होता है फिज़िकल। लेकिन प्रॉब्लम उन्होंने ये बताया कि यार हमने बैक का बटन इसलिए नहीं रखा कि जब बैक का बटन प्रेस करते हो ना आप, तो सर्टेनिटी से आप कह नहीं सकते कि क्या होगा। डिपेंडिंग ऑन अगर आप किसी ऐप के अंदर मौजूद हो और कीबोर्ड खुला हुआ है तो बैक का बटन दबाने से कीबोर्ड बंद होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप किसी सेटिंग वाले मेन्यू के अंदर मौजूद हो, सेटिंग्स में हो आप, तो बैक करोगे तो वो स्क्रीन पूरी पीछे आती है। अच्छा फिर किसी ऐप के अंदर अगर आप हो और वीडियो चल रही है कोई, तो सम टाइम उसमें बिहेवियर ये होता है कि बैक का बटन दबाने से वो वीडियो ख़त्म हो जाती है और ऐप की होम पे आ जाते हो आप, तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो ये बकौल उनके, यानी उनके डिज़ाइनर्स को ये लगा कि यार ये मुनासिब चीज़ नहीं है कि सर्टेनिटी ना हो, जब मैं बैक का बटन प्रेस करूँ मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या होगा। तो ये जो मल्टीपल बिहेवियर है इस वजह से उन्होंने बैक का बटन ही नहीं रखा, उन्होंने इंस्टेड क्या किया होम का बटन रखा, उन्हें कहा यार होम के बटन पर सर्टेनिटी है कि जब भी आप दबाओगे ना उसको तो आप सीधा होम पर गिरोगे आगे, सही है, और वहाँ से आप कहीं भी जाते रहो फिर। अच्छा बैक का बटन उन्होंने कहा डिजिटल बैक बटन होगा। ठीक है, डिजिटल बैक का बटन यानी स्क्रीन के ऊपर ही बैक का बटन आ रहा होगा, और वो ऐप का जो डिज़ाइनर है वो डिसाइड करेगा कि उसका क्या करना है उसने। ठीक है, लेकिन वो उन्होंने फिर ऐसी जगह पे रखा बैक का बटन कि वो डिज़ाइनर भी फिर क्या ही करेगा, तो उसने भी मतलब उसको भी उन्होंने ऐसा किया ना कि उसको समझ लें ड्राइव कर दिया, जो ऐप का डिज़ाइनर है ना उसको भी ऐसे ड्राइव किया कि वो उस बैक के बटन से कुछ और कर ही नहीं सकता, जो उन्होंने चाहा वही किया इन्होंने भी। तो हमारे केस में भी क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसको एडिट लगा देंगे ना तो हम सर्टेनिटी से कह नहीं सकते कि इस वक्त जो इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही हैं वो कौन से वाले नीचे पोस्ट किए, क्योंकि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एडिट दबाया और ये 2323 यहाँ पे प्राइस में आ गया, नेम आ गया, अब मैंने डबल क्लिक करके उसको कर दिया चेंज। ठीक है, फिर इतने में मुझे किसी दोस्त ने आवाज़ दी, मैंने इधर देखा, मैंने उससे दो चार बात की, मैंने जब इधर देखा मैंने कहा अरे कौन से पे दबाया था मैंने, फिर मैं क्या करूँगा, मैं रिफ़्रेश करूँगा इसको दोबारा से शुरू करूँगा, तो ये वाला चक्कर है। अच्छा तो मैंने क्या किया, इस डब्बे को खाली किया। हाँ तुम ये बता रहे थे, क्या बता रहे थे तुम, कि यार अगर मैं इस नेम को ऐसे छोड़ दूँ, इसको मैं इनपुट बॉक्स बना दूँ तो क्या ये सही नहीं है। सही है, लेकिन इसके लिए मुझे एफर्ट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। रीज़न ये कि यहाँ पर जो फॉर्म दिखेगा ना मुझे, वो बाकायदा मुझे फॉर्म के टैग के साथ चाहिए। फॉर्म के टैग से बेनिफिट ये होता है कि मुझे वैलिडेशन भी लगा सकता हूँ मैं, HTML5 की जो वैलिडेशन है, अगर मैं फॉर्म का टैग नहीं लगाऊंगा तो वैलिडेशन कैसे लगाऊंगा। तो अब मुझे इस एलिमेंट को रखते हुए इसके इधर फॉर्म का स्टार्ट और इधर फॉर्म का एंड लगाना है, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये कि मैं पूरा डब्बा खाली करा दूँ, समझ रहे हो बात, मतलब अगर मेरे पास ये डब्बा मैं खाली नहीं कराता, मेरे पास ये इस वक्त डिव मौजूद है, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस जगह पे फॉर्म का इनपुट लगाना है, और मैंने यहाँ पे इस जगह पे यानी डिव ख़त्म होने से पहले फॉर्म का जो है ना क्लोजिंग टैग लगाना है, तो ये ज़रा मेरे लिए मुश्किल रहेगा। और ये HTML में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए मैं ये कर पाऊँ, मुझे ये करना होगा कि मैं इन तमाम एलिमेंट्स को पकड़ूँगा और उसको रिमूव करूँगा, उठा के फिर एक फॉर्म बनाऊँगा, फॉर्म के अंदर डालूँगा और फिर उस पूरे फॉर्म को उठा के डिव में रखूँगा, तो ज़रा लंबा हो जाएगा काम। अच्छा मैंने कहा कि जी बॉक्स डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, एक पूरा का पूरा फॉर्म बनाने लगा हूँ। हाँ वो भी हो जाएगा, बट वो ज़रा सर्टेनिटी के लिए मैंने किया है कि यार जो देखने वाला बंदा है ना उसको श्योरिटी से पता हो कि हाँ यार ये ना फॉर्म का टैग मैंने कहीं बनाया था ना यहाँ पे भी,
पोस्ट वाले में ना, वो कहाँ गया? अच्छा हाँ, ये HTML में बना हुआ है ना, इसको पूरे को उठा लेता हूँ ना, यही तो होगा पूरा फॉर्म मेरा, मैं पूरा लिखूँ हाथ से वो ज़रा मुनासिब नहीं है। सही है, ऐड प्रोडक्ट की जगह अब मैं इसमें क्या लगा दूँगा, अपडेट प्रोडक्ट फॉर्म लगा दिया मैंने। ठीक है, नेम वही होगा, प्राइस वही होगी, सब यही होगा। आईडी जो है ना इसकी, जस्ट मैं क्या कर दूँगा इसमें ना, ये लगा दूँगा, क्या ख्याल है? नेम अंडरस्कोर प्रोडक्ट आईडी, ताकि जब मैं नेम गेट करूँगा ना, अब ज़रा अपडेट का, अपडेट फॉर्म जो है इसकी सबमिशन भी तो होगी ना, वो अलग से उसका फंक्शन होगा एक। एक्चुअली ये हमारा जो अपडेट का जो प्रोसेस है, ये दो फंक्शंस के थ्रू हो रहा है, एक एडिट का है जो जिसका काम ये होगा, जस्ट वो फ्लिप कर देगा फॉर्म में, कन्वर्ट कर देगा, इसको एक प्रोसेस में नहीं कर सकता मैं, क्योंकि फॉर्म फ्लिप करने के बाद मैंने यूज़र को टाइम देना है कि वो फॉर्म को एडिट करे, सिंगल गो में करूँगा तो वो टाइम मिलेगा ही नहीं फिर बंदे को, तो गो दो टू गो में करना है इसको, ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी है ना मेरे पास यहाँ पे आईडीज़ हैं, इसमें लगा के अंडरस्कोर ना मैं, और ये प्रोडक्ट आईडी वाला काम यहाँ पे ऐसे कर दूँगा मैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अंडरस्कोर प्रोडक्ट आईडी। तो अब होगा क्या कि जब मैं इसका नाम उठाऊँगा ना यहाँ से, तो इस आईडी से मुझे कोई और मिलेगा ही नहीं इनपुट बॉक्स, यही मिलेगा अगर हुआ तो, और अगर हुआ नहीं तो नहीं मिलेगा। अब ये अपडेट प्रोडक्ट का एक मेरे पास आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म, ये फंक्शन पूरा हो गया यहाँ पर। इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मुझे और करनी है? हाँ इस पे मुझे सबमिट ना यहीं लगाना होगा। ठीक है, देखो ये लिमिटेशंस आ रही है ना यहाँ वाली, कि अब मैं आईडी देना चाह रहा हूँ लेकिन मैं साथ में वैल्यू भी चाहिए मुझे, तो मैं वो इसमें कर नहीं सकता। ठीक है, रिएक्ट में इन चीज़ों के लिए ज़रा उन्होंने कुछ जुगाड़ किए मैं पहले से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सही कहा दोस्त ने कि अगर मैं ऐसे करके लगा देता हूँ यहाँ पे, तो जब मैं फंक्शन जब चलेगा मेरा सबमिट वाला ये, तो उस सबमिट के फंक्शन में मुझे ये वैल्यू कैसे मिलेगी? वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे। ठीक है, वैल्यू वैसे मिलेगी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, क्योंकि सबमिशन पे ना, जब कोई भी फंक्शन सबमिट पे जब चलता है ना, तो उसका इवेंट होता है ना सबमिट का, तो उस पर मुझे पूरा का पूरा फॉर्म मिलता है, पूरा का पूरा मुझे फॉर्म मिलता है, और उस फॉर्म की हर एक वैल्यू मैं डॉट डॉट करके उठा सकता हूँ। तो मुझे ज़रा लेकिन फिर उसमें डिग डीप करना पड़ेगा, बल्कि चलो वही करते हैं। लेकिन स्टिल एक मसला और भी आएगा मेरे पास, एक मसला और ये आएगा कि नेम तो मिल जाएगा, प्राइस भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी, तीनों चीज़ मिल जाएगी, लेकिन स्टिल मुझे फिर इस आईडी को ना इस जगह से सेपरेट करना पड़ेगा। दिया भाई, मुझे इस आईडी के लिए ना फिर ज़रा और एक फंक्शन लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग को ज़रा काटना पीटना पड़ेगा मुझे इस आईडी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम चुप करके ऑन सबमिट लगाते हैं, जिससे हमारा टाइम बच जाए फ़िलहाल के लिए, और अपडेट ठीक है, और अपडेट प्रोडक्ट के ऊपर एटलीस्ट मुझे क्या चीज़ देनी है, इधर आईडी देनी है वो वाली। ठीक है, और मैंने कहा कि जी प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये मैंने इसको प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी दे दी। अभी अपडेट का नीचे फंक्शन में बना लेता हूँ जल्दी से, ठीक है, अपडेट प्रोडक्ट का मैंने फंक्शन बना लिया, जिसमें मुझे क्या मिलेगी, आईडी मिलेगी। समझ आया सबको, ये अपडेट प्रोडक्ट में आईडी कैसे मिल रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेट के अंदर ये आईडी डाल के पास किया इसको। ठीक है, अच्छा ये सिंगल कोड शायद इसमें कॉन्फ्लिक्ट करे मे बी, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्सोल लगा के ना ज़रा इसको हम चला के देख लेते हैं। एडिट का बटन दबाया, ये कन्वर्ट, अच्छा ये कन्वर्ट तो हो गया, इसमें पहले से वैल्यू भी तो आनी चाहिए, वो तो हमने किया ही नहीं काम, ये कैसे होगा? वैल्यू करके एक एट्रीब्यूट मुझे देना पड़ेगा जिसमें, हाँ
हाँ ना, वही तो अभी कर रहा हूँ, वही तो करना है। वैल्यू करके एक एट्रीब्यूट दूंगा मैं, और जिसके अंदर मैं क्या करूँगा डॉट नेम कर दूंगा ऐसे। सही है, अब ये जाके ज़रा सेट हो गया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, एडिट करता हूँ, पहले से ये वैल्यूज़ लिखी हुई आ गई मेरे पास। अच्छा, इसमें कुछ पैडिंग वैडिंग मुझे शायद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत छपक जाता है आपस में ये फॉर्म की फील्ड्स में। वेल, मैं कॉन्सोल पे जाता हूँ। इसका नाम भी शायद मुझे चेंज कर देना चाहिए, ऐड टू डेटाबेस की जगह ना अपडेट कर देना चाहिए। सही है, एडिट का बटन दबाया और अब वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ को चेंज किया और मैंने अपडेट का बटन प्रेस कर दिया। अपडेट का बटन प्रेस करते ही ये एरर आ जाता है। ये एरर क्यों आ जाता है? ये एरर वही वाला है जो आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे ना। एडिट का बटन दबाता हूँ मैं, ये अपडेट के ये रहा ना ऑन सबमिट पे ना, देखो ये डबल कोटेशन और डबल कोटेशन, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सही है, ये दो डबल कोटेशन हो गए इसके अंदर। इसमें एक को मुझे वो नीचे दो सिंगल है ऊपर दो डबल है ना, उसको समझ नहीं आ रहा, वो मतलब अजीब सा हो जा रहा है वो कि यार ये क्या हुआ। ये मैंने दोनों यहाँ सिंगल दे दिया, तो मैं बाहर वाले को डबल कर देता हूँ। बाहर वाले को मैंने डबल कर दिया, तो अब ये मेरा मसला होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा। सही है, अब ठीक हो गया, ये अब वो वाला इशू नहीं आएगा इसमें। अपडेट का बटन दबाया, ये आईडी मुझे मिलना शुरू हो गई है। अब ये आईडी मिल गई, तो इस आईडी से मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इन सबको मैंने आईडी यही वाली तो दी है, प्रीफिक्स लगा लगा के दी है, तो मैं इन सबको उठा सकता हूँ ऐसे करके। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अंडरस्कोर और आईडी डॉट वैल्यू। यस, नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन, राइट। ठीक है, इन तीनों को मैंने दोबारा से उठा लिया क्वेरी सेलेक्टर करके। ठीक है, चाहता तो मैं यहाँ से भी उसको बजाय सिर्फ आईडी भेजने के पूरा ऑब्जेक्ट भी भेज सकता था, लेकिन क्योंकि यूज़र इसको चेंज करेगा ना अल्टीमेटली, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसको फॉर्म से ही उठाऊँ। मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं भेज सकता जैसे मैंने पहले भेजा था। सही है, और मैंने इसको यहाँ भेजने के बाद अब मुझे चाहिए यहाँ पर एग्जॉस वाली जो रिक्वेस्ट है ना वो चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको पूरे ट्राई कैच को उठाता हूँ। ये पूरे ट्राई कैच को उठाया मैंने। ठीक है, अपडेट की जगह क्या पुट होगा अपडेट के लिए? प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट आईडी, बिल्कुल सही है। ये कॉमा डाल के एक ऑब्जेक्ट मुझे देना है। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये अपडेट जो पुट की जो रिक्वेस्ट लग रही है उसकी बॉडी है ये। तो इसमें मैं क्या करूँगा, नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन है, तो मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा, कॉमा प्राइस लिखूँगा, कॉमा डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। सही है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में जो भी आता है वो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा कंसोल पे फ़िलहाल के लिए। अल्टीमेटली इसको आप यूआई पे प्रिंट करवाएंगे यूज़र को दिखाने के लिए। गेट ऑल प्रोडक्ट की एपीआई उसके बाद दोबारा से कॉल होगी, जिससे होगा क्या, गेट ऑल प्रोडक्ट की जैसी एपीआई कॉल होगी ना, तो ये इस एडिट फॉर्म में है ना, गेट ऑल प्रोडक्ट क्या करता है, इस पूरे डब्बे को खाली करता है और दोबारा से रेंडर करता है, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, गायब हो जाएगा। जब मैं इस पर मैं बोलूँगा ना कि न्यू नेम और अपडेट का बटन दबाऊँगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिफ़्रेश होता है, लेकिन ये अपडेट चला क्यों नहीं। अच्छा, मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया एक्चुअली। सही है, मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया। मेरे पेज रिफ़्रेश को बचाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो अपडेट का फॉर्म है
इसमें पहले नंबर पे मैं इवेंट लिखूंगा, सही है, इवेंट पूरा लिखना होता है यहाँ पे, ई नहीं लिख सकता मैं, नीचे भी, लेकिन यार मैं पूरा इवेंट ही लिखता हूँ क्योंकि फिर वो कन्फ्यूजन रहती है कि किधर ई लिखना है किधर इवेंट लिखना है। यहाँ नीचे वाला मेरा नाम मेरी मर्जी का होता है नाम, यहाँ पे मैं ई लिखूँ ए बी सी जो लिखूँ मेरी मर्जी का नाम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दोनों में इवेंट लिखूँ मैं, तो उससे होता क्या है कि मुझे कन्फ्यूजन नहीं रहती, सर्टेनिटी रहती है कि हाँ यार इवेंट ही है। और मैं कहता हूँ कि जी इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट एडिट न्यू नेम और अपडेट, सही है जी। तो मेरा फॉर्म गायब क्यों हो जाता है, मैंने नहीं करवाया, वो जब गेट ऑल प्रोडक्ट चलता है तो मेरा फॉर्म खुद से गायब हो जाता है और मेरा पूरा पेज दोबारा से रेंडर होता है, जो कि स्टिल नॉट अ गुड प्रैक्टिस, होना ये चाहिए कि मैं सब जब अपडेट हो ना तो मैं पूरी प्रोडक्ट की APIs दोबारा से कॉल ना करूँ, आइडियली तो ये होना चाहिए, क्योंकि सर्वर पे एक रिसोर्स एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ मैं, एक तो अपडेट की API भेजी है मैंने और एक दूसरा गेट ऑल प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, तो आइडियली ये होना चाहिए, मुझे तो पता है ना मैंने क्या किया अपडेट, तो मैं वही लोकली ही फ्रंट एंड पे मैं वो काम कर दूँ, ठीक है। स्टिल उसके लिए कोड थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन इट विल ब्रिंग यू मोर एफिशिएंसी। अपडेट को मैं रिपीट कर देता हूँ वापस बिल्कुल। हमारे पास सबसे पहला फंक्शन चलता है एडिट प्रोडक्ट का, जिस एडिट प्रोडक्ट का फंक्शन का काम ये है कि वो क्या कर दे, जो पोस्ट का जो पूरा डब्बा था उस डब्बे को वो करे खाली और उसकी जगह पे रखवा दे एक अदद फॉर्म, ठीक है। और उस फॉर्म के ऑन सबमिट पे मैंने एक दूसरा फंक्शन लगाया जो कि ये अपडेट प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। अपडेट प्रोडक्ट में तो कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, इसमें तो सिंपल मैंने वैल्यू गेट की और एक्सियोस पर रिक्वेस्ट लगा दी है, इसमें तो कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। समझने वाली चीज़ असल में है इस जो फॉर्म प्रिंट करवाया ना मैंने जिससे, इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि मैंने इस डब्बे से जो बटन क्लिक होता है एडिट प्रोडक्ट का, उस पर मैंने पूरा ऑब्जेक्ट उठा के जो इधर फेंका है, ये समझने वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ समझ आ गया सब लोगों को। अब जब ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया उठ के इस एडिट प्रोडक्ट के फंक्शन में, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने जस्ट एक फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले किया है और उस फॉर्म में पहले से वो वैल्यू दिखा दी जो मुझे ऑब्जेक्ट में मिली थी, ये समझ आ गई बात। अच्छा, अब जब ये सबमिट होता है ऑन सबमिट, तो इस तमाम इनपुट फील्ड से मुझे वैल्यूज़ गेट करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि ना सिर्फ यहाँ पे मैंने वो वैल्यू करके डिस्प्ले करवाई है, बल्कि इसको मैंने ID भी ऐसी दी है जिसके साथ नेम _ प्रोडक्ट ID लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब इससे होगा क्या, अगर मेरे पास 4-5 भी प्रोडक्ट होगी ना, ठीक है, देखो अब मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर दोनों में एक साथ भी मैं एडिट खोल दूँ, तो देखो दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ ही मिली है मुझे, और मैं जिसको अपडेट करूँगा ना, मिसाल के तौर पे मैंने पहले वाले को ये 3000 कर दिया इसकी प्राइस को, और यहाँ पे आके इसको मैंने कर दिया 4000, ठीक है। ऐसा नहीं होगा लेकिन कि मैं इसको अपडेट करूँ तो वो गलत समझेगा उसको, मैं जिसका अपडेट दबाऊँगा वही अपडेट होगा, हालांकि मैंने फॉर्म दोनों छेड़ दिए एक ही साथ, तो मैं 4000 वाले का दबाता हूँ, 4000 वाला अपडेट हो गया, सही है। अगेन मैं दोनों को एडिट करता हूँ, ठीक है, और दोनों में वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसकी प्राइस कर देता हूँ 500, ठीक है। नेम के साथ भी कुछ ABC लगा देता हूँ, ठीक है, हालांकि नीचे वाले को भी मैंने छेड़ा हुआ है एट द सेम टाइम, लेकिन जब मैं अपडेट इसका दबाऊँगा ना, तो अपडेट की रिक्वेस्ट इसी वाले की जाएगी, दूसरे वाले की। हाँ नहीं, वही वाली बात कह रहा हूँ, जब अपडेट कंप्लीट होती है ना जब, तो उस पर मैं ऑल प्रोडक्ट गेट कर लेता हूँ, अगर मैं इसको अवॉइड कर लूँ तो ये मसला भी हल हो जाएगा मेरा। वो भी कर सकते हैं, अगर मैं एडिट का बटन दबाने पे ना एक वेरिएबल बना लूँ, एडिट का बटन दबाने पे एक फ्लैग बना लूँ कि यार इज एडिट ट्रू, तो वो बाकियों के सारों को डिसेबल करा दूँ मैं उस कंडीशन पे, कर सकता हूँ मैं। देखो प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो सोच सकते हो ना तुम, वो हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि अब आप कितना अच्छा सोच सकते हो, तो वो सोचने का जो सारा ताल्लुक है वो सारा डिज़ाइन से, कि वो जो कंप्यूटर ह्यूमन इंटरफेस करके एक सब्जेक्ट होता है, पढ़ाते नहीं है हमारे यहाँ लेकिन होता है, सही है। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का जो सब्जेक्ट है ना, इट इज़ ऑल अबाउट कि आपने सोचना कैसे, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि ह्यूमन की एक साइकोलॉजी है ना, एक ह्यूमन की एक नेचर है, ह्यूमन जो है ना, एक आप समझ लें कि बड़ा सेंसिटिव और बड़ा सा जो है ना, क्या उसको कहते हैं कि जज्बाती
बींग है, ठीक है, ह्यूमन के जज्बात हैं बड़े, बाकी एनिमल्स के पता नहीं होते हैं या नहीं होते, लेकिन ह्यूमंस के तो हैं भाई। तो ह्यूमंस जब कोई सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि उनके उसके जो ह्यूमन के जज्बात हैं ना, उससे वो मैच करें। जब उसके जज्बात से वो मैच करता है ना, तो वो दीवाना हो जाता है, बोलता है यार यही चाहिए मुझे। अच्छा, ये वो चीज़ है जो अनफुलफ़िल है, इसको किसी ने फुली फील नहीं किया होता, लेकिन समहाउ ये होता है। अब मिसाल के तौर पे अभी इंशाल्लाह हम आगे वो फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे, इसकी जो फोर मैक्सिम्स हैं, जो तो उसमें वो बोलता है कि यार आपका जो कन्वर्जेशन पार्टनर होता है ना, जिससे आप बात करते हो, तो कुछ लोगों से आप बात करते हो बड़ा अच्छा लगता है बात करने में, कुछ लोगों से आप बात करते हो कि आप कहते हो यार ऐसे ही पका रहा है, क्या क्राइटेरिया है उसका? कोई क्राइटेरिया सेट तो नहीं किया हुआ ना, आपको बस अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। लेकिन वो अभी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैटबॉट के डिज़ाइन में, तो उसके फोर मैक्सिम्स हैं कि जी कम वक्त में आपने अच्छी बात करनी है, ज़्यादा बोलना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है कम जुमलों में। वो जितने भी मास कम्युनिकेशन पूरी दुनिया में चल रहा है, वो सारा फोर मैक्सिम पे फॉलो करते हैं, वो उसी फिलॉसफी पे चलते हैं। तो ये जितनी भी इंटरटेनमेंट चल रही है, जितना भी न्यूज़ के चैनल्स चल रहे हैं, वो सारे उस मैक्सिम को फॉलो करते हैं, ठीक है। यही वजह है कि आप जब एक न्यूज़ एंकर जब कोई न्यूज़ पढ़ के सुनाता है, तो आपको ज़रा बेहतर फील होता है, बजाय इसके कि कोई दूसरा बंदा आपको एक नॉर्मल आपका दोस्त पढ़ के सुना रहा हो। तो फिर अब उसमें कह रहा है वो महफिल के आदाब होते हैं कि आप जिस महफिल में बैठे हैं, आपके आवाज़ की लाउडनेस उतनी होनी चाहिए। आप बहुत धीमा बोलोगे, लोगों को आवाज़ नहीं आ रही, लोग बोर होंगे। आप बहुत ज़ोर से बोलोगे, लोग डर जाएंगे। चार मैक्सिम्स हैं वो, लेकिन ये अनफुल फील है, ये फील नहीं किया होता किसी ने। किसी आपने कभी किसी दोस्त से आप पूछेंगे तो वो ये नहीं बोलेगा आपको कि यार अच्छा ये मैं चार मैक्सिम फॉलो करता हूँ इसलिए तुम लोग मेरे पीछे पीछे भागते हो। होता है ना गैदरिंग में एक लड़का होता है जिसकी बातें हर किसी को अच्छी लगती हैं, समटाइम ज़रा फ़नी भी होता है कोई एक बंदा, तो सबसे पहले उसको कॉल मिलाते हैं, कहीं भी कबाब पार्टी करनी है, कुछ भी करना है, कहते हैं यार उसको बुलाओ यार, वो नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। समटाइम एक ऐसा बच्चा होता है जिसकी सब मिल के ले रहे होते हैं, उसको भी सबसे पहले कॉल लगाते हैं कि यार वो नहीं आएगा तो लेंगे किसकी, फिर मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें अनफुलफ़िल हैं, इसका कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। गैदरिंग के अंदर एक बच्चा जो है जिसकी सब मिलके ले रहे होते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया सेट है कि जो जो ऐसा लड़का होगा उसकी हम लेंगे? नहीं होता ना, अनफुलफ़िल है ये। अंदर से एक मज़ा आता है कि यार इसकी लेने में मज़ा आता है। तो ये जो जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है ना, जो हमारे यहाँ पढ़ाते नहीं है, वो इट इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइन, और डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट के ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो जिस किसी को इंटरेस्ट है भाई, तो मैं आपको बताऊं, अगर मिसाल के तौर पे आपने साइकोलॉजी को मज़ीद स्टडी करना है, आपने डिज़ाइन को मज़ीद स्टडी करना है, तो आप गूगल पे जाके क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डिज़ाइन, साथ में लिखेंगे 101। 101 क्या चीज़ होती है कि कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का जो पहली दफ़ा जब कोई बंदा उसको पढ़े स्टडी करे, तो उसको कौन सी बातें बतानी चाहिए, फंडामेंटल्स जो होते हैं पहली दफ़ा, तो वो 101 कहलाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी पढ़ना है आपको, ठीक है, आपको जियोलॉजी पढ़ना है, आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, आपको बायोलॉजी पढ़ना है, जो भी साइंस की ब्रांचेज हैं, या जो भी, या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 101 लिखेंगे। उसका 101 में ना वो सारी बातें आपको पता चल जाएंगी जो पहले इंट्रैक्शन पे आपको पता चलनी चाहिए। फिर 101 कंप्लीट होगा, उसके बाद आता है 201, ठीक है। तो 201 में आपको ना ज़रा नेक्स्ट लेवल की वो फिर बात बताता है। तो आप 101 सर्च करेंगे, डिज़ाइन ज़रूर स्टडी करें सब लोग, मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए कि डिज़ाइन को ज़रूर स्टडी करें, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी दुनिया की फील्ड से हो। डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह इन्वॉल्व रहेगी, वो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़, मतलब पीछा छोड़ने की बात नहीं है, आपको कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी जॉब हो, उसको सक्सेसफुल बना रहे हैं ना आपने अगर, तो आपको डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको डिज़ाइन की समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज़ डिज़ाइन। इंशाल्लाह हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर डिज़ाइन के बारे में करेंगे जब हम चैटबॉट का डिज़ाइन पढ़ेंगे। हम चैटबॉट में एंटर होने से पहले हम चैटबॉट के डिज़ाइन पे हम बात करेंगे। एक बुक है हमारे पास, उसके दो चैप्टर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। पहले हम उसके चार चैप्टर पढ़ते थे, लेकिन उसके चार चैप्टर में जो अलेक्सा था उसको हमने कर दिया किकआउट अपने कोर्स से, तो अब उसके रह गए दो चैप्टर, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। वेल, अभी हमारा अगला टारगेट ये है कि ये जो करड़ ऑपरेशन हमने कर लिया है, इसका फ्रंट एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारे पास, डिलीट भी चल रहा है, अपडेट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है।
इसको अब हमने करना है अपने सर्वर पे सर्व, ठीक है, उसके बाद इसी को हमने किस पे कन्वर्ट करना है, रिएक्ट में कन्वर्ट कर देना है। रिएक्ट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे हमारी एपीआई चेंज नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, एपीआई हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, जस्ट हमारा जो फ्रंट एंड है, क्योंकि रिएक्ट इज़ अ फ्रंट एंड लाइब्रेरी, उसका बैक एंड से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे हमने फ्रंट एंड से अभी कॉल की एपीआई, इसी तरह हम रिएक्ट की ऐप से एपीआई कॉल करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पूरे को रिएक्ट में, ठीक है, रोड मैप समझा रहा हूँ आगे क्या करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिएक्ट पे एक ऐप और बनाएंगे, सर्वर भी वो नया लिखेंगे हम और रिएक्ट पे एक ऐप और बनाएंगे। वो ऐप कौन सी होगी, चैट ऐप, ठीक है, एक ऐसी ऐप होगी जिसमें एक चैट का इंटरफेस बना हुआ होगा, कुछ भी लिखूंगा सेंड करूंगा सर्वर पे जाएगा, सर्वर से एक डमी रिस्पांस मेरे पास आ जाएगा, ये चैट ऐप बनाएंगे हम। और वंस वो चैट ऐप कंप्लीट हो जाएगी हमारी, हाँ सॉकेट यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हमारे केस में सॉकेट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रोएक्टिव नहीं है, हमारा जो चैटबॉट होगा वो प्रोएक्टिव नहीं होगा। चैटबॉट इस वक्त दुनिया में जितने भी हों कोई भी प्रोएक्टिव नहीं है, यानी बाई डिज़ाइन जो जो डिज़ाइनर्स जो रेकमेंड करते हैं वो प्रोएक्टिव अभी तक उनको समझ नहीं आया कि कैसे बनेगा, ठीक है, वो आप जब रिक्वेस्ट करोगे कुछ बोलोगे तो वो जवाब देगा। चैट जीपीटी भी इवन जो है सबसे फेमस दुनिया का चैटबॉट इस वक्त चैट जीपीटी है, तो उसमें भी ये होता है कि आप कुछ बोलते हो तो वो जवाब देता है, वरना वो खामोश रहता है, ठीक है। तो इसको हम अगर वो खुद से बोले ना, जैसे ही आप आए और ख़ुद से बोलना शुरू कर दे आपको देख के, तो उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव, लेकिन वो प्रोएक्टिव अभी तक कोई चैटबॉट नहीं है दुनिया का। बना सकते हो आप, लेकिन डिज़ाइनर्स के अभी डिज़ाइनर्स कह रहे हैं प्रोएक्टिव में क्या करोगे आप, मतलब जैसे सामने से हमारे कोई बंदा आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको ग्रीटिंग्स देते हैं, हेलो हाय करते हैं, और हमारी कल परसों कोई अगर बात हुई होती है तो हम वो वाली बात उससे शुरू करते हैं ना, वो बात छेड़ते हैं कि हाँ यार वो कल ज़रा मैसेज आया था तुम्हारा, क्या सीन था वो, समझ रहे हो आप। चैटबॉट में इस तरह के मामला ज़रा सा दूसरे तरीके से होंगे, क्योंकि चैटबॉट को ज़रा आदाब के दायरे में भी रहना है, हम तो दोस्त के साथ हाथ पैर का मजाक है ना, कुछ भी पूछते हैं कुछ भी बोलते हैं, चैटबॉट ये नहीं कर सकता। ये भी फोर मैक्सिम में इंशाल्लाह कवर हो जाएगी ये चीज़ कि चैटबॉट ने कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी, ठीक है। वेल तो मैं क्या रोड मैप बता रहा था कि हम इस ऐप को रिएक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिएक्ट पे हम एक और ऐप बनाएंगे जो कि चैट ऐप होगी। वंस वो चैट ऐप हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम चैटबॉट के एरा में दाखिल हो जाएंगे, हम उस इस रिएक्ट की ऐप के ऊपर हम ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज लगाना शुरू कर देंगे, डायलॉग फ्लो में एंटर हो जाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।